अखलाक के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली का सलाम हो। आज हम शिगर की तरफ जाएंगे, शिगर ब्लाइंड लेक की तरफ। तो सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं, हम लोग अपना सफ़र के लिए निकल चुके हैं। तो शिगर में हम आपको ले जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम आपको दिखाएंगे ब्लाइंड लेक। ब्लाइंड लेक इस टाइम सर्दियों में बिल्कुल फ्रीज हुआ होता है, तो वहाँ के शिगर वैली के मनाजिर हम दिखाएंगे, लम्सा वैली के, और इसके रूट के हवाले से हम आपको बताएंगे। चुके हैं यहाँ पर शिगर पे, शिगर चौक में, जो चौक है यहाँ से जो रास्ता जाता है आगे का, ये सीधा शिगर के लिए जाता है। जबकि हम इस चौक से जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं तो फिर वो लम्सा ब्लाइंड लेक की तरफ ये रास्ता जाता है। तो हमने आज शिगर वैली जाना नहीं है, हम जाएंगे इंशाल्लाह ब्लाइंड लेक की तरफ। तो हम गाड़ी को ही अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। ये यहाँ पर लम्सा एक छोटा सा विलेज है, डिस्ट्रिक्ट शिगर के अंदर आता है ये विलेज है सामने, और ये रोड जाएगा जी सीधा ब्लाइंड लेक की तरफ। ऑफ रोड है यहाँ से आगे, तो पक्की सड़क ख़त्म होती है यहाँ, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। का मौसम भी आज काफ़ी ख़राब है, अब देख सकते हैं बिल्कुल बादल आए हुए हैं, तो सर्दी में मज़ीद इजाफा हुआ है आज। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ब्लाइंड लेक पर। तकरीबन सिकरदू सिटी से कोई 40 मिनट हमें लगे यहाँ ब्लाइंड लेक तक पहुंचने तक। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी की है, तो गाड़ी की कंडीशन ठीक है, क्योंकि काफ़ी 20 मिनट तकरीबन हम ऑफ रोड पर चले हैं। तो अब हम यहाँ से इंटर होते हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी हम अंदर इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद फिर आपको ब्लाइंड लेक के मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। तो हम अंदर इंटर हो चुके हैं नाजरीन ब्लाइंड लेक पर। ठंड की वजह से जहाँ पानी है पूरा कक्कर जमा हुआ है, और यहाँ पर गर्मियों में तो काफ़ी ग्रीनरी होती है, ग्रीन प्लेन्स होते हैं, आगे तक ये ग्रीन प्लेन्स हैं, लेकिन यहाँ ठंड ज़्यादा होने की वजह से अभी बिल्कुल इनका कलर ही चेंज हुआ है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ब्लाइंड लेक पर। अभी इस वक्त यहाँ का जो टेम्परेचर है तकरीबन -12 -15 के दरमियान है, और जिसकी वजह से पूरा जो लेक है बिल्कुल फ्रीज हुआ है। आपको ये मनाजिर हम दिखाएंगे, ये देखिए नाज़रीन, मुकम्मल फ्रीज हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी झील है, यहाँ पर ट्राउट मछली भी होती है। तो हम अब झील पर चल रहे हैं, ठीक ठाक मज़बूत झील है, और यहाँ पर शायद स्केटिंग वगैरह भी करते हैं,
और ये मुकम्मल तौर पर जमी हुई झील। यहाँ पर नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह जाने किस चीज़ की आवाज़ें हैं, आप भी ज़रा सुने। ये शायद मछलियों की आवाज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ ऊपर तो बिल्कुल फ्रीज हुआ हुआ है, लेकिन शायद नीचे पानी वगैरह चल रहा है, तो ये मुकम्मल फ्रीज हुआ है। काफ़ी गहरा झील भी है ये, तो आगे तक पूरा झील फ्रीज हुआ है। ये खूबसूरत मनाजिर आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की होगी ये? मछलियों की आवाज़ है शायद। झील तो बिल्कुल फ्रीज हुई है, देखो। इस वक्त हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा एहतियात के साथ चल रहे हैं, काफ़ी बिल्कुल लेक के बीच में हम पहुंचे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अल्लाह ना करे अगर कच्चा वगैरह हो तो फिर वो नीचे गिर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए नाजरीन, बिल्कुल हम बीच पे पहुँचे हैं और बिल्कुल फ्रोज़न लेक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वाह जी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, ठंड भी काफ़ी है। स्केटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, काफ़ी मज़ा आता है स्केटिंग करने में, लेकिन यहाँ पर जूते थोड़े तेज होने चाहिए ताकि बंदा सही तरह से स्केटिंग कर सके। वाह जी, क्या बात है, बर्फ़ पे चलने का अलग मज़ा है, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जाम हो चुकी है बर्फ़, और ऊपर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि इस झील में हम समर के टाइम में भी हम आए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ बीच तक आज तक हम नहीं पहुँचे थे। हालांकि हमने स्विमिंग भी की है इस झील में, तो साइटों में हम स्विमिंग करते थे उस तरफ, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं इस झील के बीच में आया हूँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल फ्रीज होके है पूरी झील, और हम यहाँ पर फ्रीज झील के ऊपर चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। पहली दफ़ा सर्दियों में पहली दफ़ा मैं आया हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी यहाँ तो इस जगह में तो काफ़ी गहरी झील है यहाँ पर, और यहाँ आवाज़ें भी आ रही हैं, शायद मछलियों की आवाज़ें होंगी नीचे से, तो हम यहाँ पर ऊपर से चल रहे हैं, तो काफ़ी खुशगवार मौसम भी है ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बादल आए हुए हैं, तो इस वजह से जितने ज़्यादा बादल आते हैं उस हिसाब से ठंड भी इतनी नहीं होती, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ ये खूबसूरत नज़ारे ब्लाइंड लेक शिगर से।
ये गर्मियों के लिए यहाँ पर ये ट्रैक बनाया गया है और यहाँ पर फिश फार्मिंग वगैरह भी की जाती है। ये यहाँ पर भी पूरा जाम हो के है, ये मुख्तलिफ टंकियाँ वगैरह बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाम हुआ है अक्सर जगह तो, लेकिन कुछ जगह हैं जो हाँ इसमें ये फ्रीज क्यों नहीं हो गए, शायद इसमें कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं, चावल में कुछ नहीं होता तो मछलियाँ वगैरह रखी जाती, इसलिए इस यहीं एरिया जो है ये फ्रीज नहीं हुआ है, शायद यहाँ पर कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीज वगैरह। बाकी पूरी झील आपको यहाँ पर फ्रीज मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, बर्फ़ के शहरों में तो ये बर्फ़ गर्मियों में लाया जाता है ख़रीद कर, लेकिन यहाँ पर आप देखें बर्फ़ के बड़े बड़े वो बने हुए हैं लेयर्स और काफ़ी ठंडा है ये पूरा, आप देख सकते हैं काफ़ी ख़ूबसूरत मनाज़िर। तो चलें जी, काफ़ी टाइम हुआ यहाँ पर, हम अब खाने का टाइम हुआ है तो हमने वहाँ पर अपना सेटअप बनाया है बारबेक्यू का, तो इंशाल्लाह फिर हम बारबेक्यू वगैरह खाएंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर अख्ताम करेंगे, एक खूबसूरत वैली से, शिगर वैली ब्लाइंड लेक से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को जाते जाते लाजमी लाइक, इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू जी।